नागपूरच्या कामठी रोड येथील दिल्ली पब्लिक स्कूल तर्फे आज सोमवारपासून 16 वर्षाखालील मुलांसाठी आंतरशालेय क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे। स्पर्धेचे उद्घाटन विदर्भ क्रिकेट संघाचे बाबूराव यादव यांच्या हस्ते सोमवारी सकाळी करण्यात आले। स्पर्धा शाळेच्या प्रांगणात होत असून 27 फेब्रुवारीला अंतिम सामने खेळले जाणार आहेत। नागपूर जिल्ह्यातील 8 शालेय विद्यार्थी या सामन्यात सहभागी होणार असून दिल्ली पब्लिक स्कूल, ईडी5 स्कूल, साउथ पॉइंट स्कूल, सांदीपणी स्कूल, भवन्स, श्रीनिवास पब्लिक स्कूल, जीएच रायसोनी, सीपीएस रोड स्कूल स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या शाळा आहे। तर या स्पर्धेत पहिला सामना दिल्ली पब्लिक स्कूल व ईडी5 स्कूल सोबत खेळण्यात आला। तर क्रिकेट स्पर्धा पाहण्याकरिता विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सव दिसून आला। ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट है जिसमें हमारी टीम को मिला के 8 टीम्स हैं और उसमें बहुत अच्छे सारे जो स्कूल्स हैं उन्होंने इस कोविड टाइम पे हमारे को हेल्प करी और भेजा। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं। ये प्रेसिडेंट्स कप है, ये हमारी प्रेसिडेंट और प्रो वाइस चेयरपर्सन मिस तुलिका केडिया ने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बच्चों का जो मनोबल है वो बढ़े। कोविड के बाद बच्चे अंदरहीन भावना से ग्रस्त हो रहे थे, तो उनको लगा कि कुछ प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे कि बच्चे आएँ, मिलें और उनका जो सोशल स्किल्स है वो बढ़े। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं स्कूल में भी क्या हो रहा है कि बच्चे अपने में सीमित रह गए हैं, उनकी फ्रेंडशिप सब कुछ टूट गई है। तो दिस इज़ और NEP जो है अपना नया, वो भी ये कह रहा है कि स्पोर्ट्स को हमको तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए हमारी प्रेसिडेंट मिसेस तुलिका केडिया जो आज बहुत व्यस्त थी इसलिए आ नहीं सकी, तो उन्होंने ये प्रेसिडेंट्स कप रखा। ये एडिफाई और हमारी स्कूल DPS कामठी रोड नागपुर के बीच हो रहा है और फाइनल ये चलेंगे 6 दिन तक और 27 जो कि संडे है उस दिन इसका समापन होगा एंड वी विल हैव द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वी हैव अ रोलिंग प्रेसिडेंट्स रोलिंग ट्रॉफी एंड द बेस्ट प्लेयर्स ट्रॉफी। अरन्या केडिया सर जो कि हमारे लाइफ मेंबर हैं हमारे मैनेजमेंट ग्रुप के, उनकी तरफ से दी गई है जो बेस्ट प्लेयर को दी जाएगी और जो रोलिंग ट्रॉफी है वो प्रेसिडेंट्स कप है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देखेंगे।